तवांग के ऊपर राजनीति रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और अब तो इसे लेकर पर्सनल अटैक भी शुरू हो चुके हैं। इतना कि राहुल गांधी को बीजेपी ने जयचंद तक बुला दिया। तो क्या है ये पूरा मामला और ये जयचंद है कौन जिसकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच जो झड़प हुई उसे लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर चीन से फंड लेने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से तवांग में जो हुआ उसे लेकर 7 सवाल पूछे। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी को बीजेपी ने जयचंद कहकर बुलाया। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। तो दरअसल राहुल गांधी ने तवांग को लेकर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को लेकर विवादित बात कही, जिसके बाद से ही बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इसे लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय सेना जो है वो हर एक भारतीय का गौरव है, हमारे जवान हमारी ताकत को दिखा रहे हैं, लेकिन भारत के जयचंद राहुल गांधी सेना के मनोबल को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव भाटिया ये बताना भूल गए कि तवांग की ये घटना 9 दिसंबर को हुई, तो क्यों इस बारे में सभी को जानकारी 3 दिन बाद मिली। खैर, अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये जयचंद है कौन और क्यों उसकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। तो अब ये जानने के लिए तो थोड़ा सा हिस्ट्री को टटोलना पड़ेगा। तो ये 12वीं सदी की बात है जिसकी तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। उनका पूरा नाम जयचंद राठौर है। ये उत्तर भारत के गाहड़वाल वंश के कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। जयचंद राठौर को लेकर कई कहानियां हैं। किसी में इन्हें फेंस सिटर बताया गया तो किसी में इन्हें अच्छा राजा भी बताया गया है। इतिहासकारों की माने तो 1192 के तराइन युद्ध ने भारत के इतिहास में अपनी पहचान छोड़ी। उस टाइम मोहम्मद गौरी लाखों सैनिक लाकर भारत पर अटैक करना चाहता था। उस टाइम भारत के कई राजा मिलकर मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें जयचंद शामिल नहीं हुआ। बहुत सी किताबों में ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने गौरी से गठबंधन किया था, तो बेसिकली जयचंद ने अपनों का साथ छोड़ दिया था। इसी वजह से जयचंद हमेशा से ऐसे राजा रहे जिन पर किसी को भरोसा नहीं रहा, और इसीलिए बीजेपी ने भी राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की, क्योंकि बीजेपी की माने तो राहुल गांधी ने भारतीय सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है, राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो देश विरोधी बयान बिल्कुल भी नहीं है। तो तवांग को लेकर राजनीति जो है वो जारी है। अब देखना ये होगा कि राजनीति कहाँ जाकर रुकती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।